प्रेजेंट एंड इन्फिनिट टेंस में आज नेगेटिव सेंटेंस जो है बताया जा रहा है। कल जो है एसर्टिव सेंटेंस बताया गया था, आज जो है प्रेजेंट एंड इन्फिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बताया जा रहा है, जिसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्। नकारात्मक वाक्, वैसा वाक्, वैसा वाक जिसमें नहीं लगा होता है, वैसा वाक जिसमें नहीं लगा होता है। स्ट्रक्चर नाउन, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक, वैसा वाक जिसमें नहीं लगा होता है, ठीक है। हिंदी वाक में जो है नहीं लगा हुआ रहता है, नेगेटिव सेंटेंस समझा जाता है। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। डू नॉट किसके साथ और डज नॉट किसके साथ लगेगा, जो साइड में लिख दिया जा रहा है, जैसे आई वी यू दे द बॉयज द गर्ल्स रन नाउ, ये सब के साथ जो है डू नोट का प्रयोग होगा, डू नोट का प्रयोग होगा। आई वी यू दे द बॉय द गर्ल्स प्लूरल नाउन्स के साथ जो है डू नोट का प्रयोग होगा। एंड देखिए ही सी इट नेम द बॉय द गर्ल और सिंगुलर नाउन ही सी इट नेम द बॉय द गर्ल सिंगुलर नाउन के साथ जो है डज नोट का प्रयोग होगा, डज नोट का प्रयोग होगा। फिर से समझ लीजिए, इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक बताया गया था, उसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक बताया जा रहा है, वैसा वाक जिसमें नहीं लगा होता है। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस डू नोट या डज नोट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। किसके साथ डू नोट का प्रयोग होगा, किसके साथ डज नोट का प्रयोग होगा, यहाँ पर लिख दिया गया है आई वी यू दे द बॉयज द गर्ल्स प्लूरल नाउन के साथ डू नोट का प्रयोग होगा। ही सी इट नेम द बॉय द गर्ल्स सिंगुलर नाउन के साथ जो है डज नोट का प्रयोग होगा। फॉर द एग्जाम्पल जैसे मैं एक किताब
नहीं पढ़ता हूँ, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। सोहन सोहन विद्यालय नहीं जाता है, सोहन विद्यालय नहीं जाता है। आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते, आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते। राधा गीत नहीं गाती है, राधा गीत नहीं गाती है। हम लोग प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते हैं। सब देखिए सभी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है ना, नहीं लगा हुआ है। देखिए वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा होता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके पहले भी पहचान बताया गया था कि प्रेजेंट इंडिकेटिव का वाक्य जो है इसके वाक्य क्रिया के अंत में है, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते है, इत्यादि लगा रहता है। देखिए लगा हुआ है ता हूँ, ता है, ते है, ती है, इत्यादि लगा हुआ है। यानी कि हम लोग को हिंदी वाक्य से भी समझना चाहिए क्रिया के अंत में है तो प्रेजेंट इनहेबिटेंस है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें जो है नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको हम नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर जो है ये होता है। कौन सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा लिख दिया गया है, ये दोनों बात जो है याद रखें। जब कभी भी नया स्ट्रक्चर बताया जाएगा तो इसको लिखा जाएगा, बार बार आपको लिखते देखते समझते दिमाग में याद हो जाएगा। समझने की कोशिश करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हमको थोड़ा हिम्मत बढ़ेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। ऐसे हिम्मत नहीं बनता है, और हम शुरू वाले यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हमको टेंशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। फिर थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं क्लास में बोल के हंस के, इसी प्रकार जो है यूट्यूब चैनल पर भी हम कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए। ऑल द बेस्ट।